हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर लर्न फ्रॉम होम प्रोग्राम. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ यूनिट 12. लेट अस नो मोर. नाउ टुडे लेट स्टार्ट विद आवर CW वर्क. सो ऑल ऑफ यू ओपन योर CW, इंग्लिश CW, एंड फर्स्ट राइट टुडेज डेट, देन राइट लेसन नेम यूनिट 12, लेट अस नो more, and then give first heading new words. Ready all of you? Let's start. First one, missionaries. missionaries. Missionaries means charity. Second, orphans. orphans. Orphans means a child without parents. Third, humanitarian. 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 Fourth, dwarfs. dwarfs. Dwarfs means little people. Bahut chote chote, tiny people. Fifth one, crumbled. 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 Now, sixth one, spit. 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 Seventh, appetite. 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 Appetite means hunger, भूख. हमारा जितना हम खाना खाते हैं उसे appetite कहते हैं. Eighth, venom. 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 मतलब poison, जहर. Now students, give new heading, give meanings. First one, humanitarian. Humanitarian means kind. इंसानियत, अच्छा वाला काम करना, उसे कहते हैं humanitarian. Second, charity. Charity means donation. Third, admired. Admired means like a lot, यानि बहुत पसंद आना. Now, next, curiosity means interest. Invention मतलब discovery. Next, improve, make better. सिर्फ make better आएगा, pieces it is typed by mistake, so only make better. Better, कोई चीज़ अच्छी करना, improve करना. Appetite मतलब hunger. Fangs, teeth of snake. Giant means monster, बहुत big, huge. Hedge means a fence. A field के आस पास borders जो बनाई जाती है ना, उसे fence कहते हैं. Next, thunder. Thunder means a loud noise. Next, approach. मीन्स कम नियर, किसी के पास जाना, उसे कहते हैं अप्रोच करना. इन वेन, इन वेन मीन्स नो यूज, कोई काम का नहीं, उसे कहते हैं इन वेन. क्रम्बल टू ब्रेक इन टू स्मॉल, यहाँ पर आएगा पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसे कहते हैं क्रम्बल करना. वेनोम, वेनोम मीन्स पॉइजन, जो स्नेक के माउथ में से निकलता है ना, पॉइजन, जहर, उसे कहते हैं वेनोम. ओके, नाउ स्टूडेंट्स गिव न्यू हेडिंग, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ मदर टेरेसा. यानी हमें मदर टेरेसा के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में लिखना है, मतलब उनके बारे में लिखना है कि ये चैप्टर में उनके बारे में क्या क्या कहा गया है. सो नाउ लेट सी. फर्स्ट पॉइंट, मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन अल्बेनिया इन 1910. उनका बॉर्न कहाँ हुआ था? अल्बेनिया. और कब हुआ था? इन 1910. सेकेंड, शी स्टार्टेड मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कलकत्ता. उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी करने के लिए चालू किया था, कहाँ? कलकत्ता में. शी लुक आफ्टर पुअर, सिक, ऑर्फन्स एंड डाइंग. यानि वो जो लोग गरीब हैं, बीमार हैं, जिनका कोई नहीं है, उनका वो ध्यान रखते थे.
Next, she won the Nobel Peace Prize in 1979 for her humanitarian work. यानी उन्हें एक प्राइज़ मिला था, नोबल पीस प्राइज़ 1979 में, जो उन्होंने अच्छा काइंड वर्क किया था उसके लिए. नेक्स्ट पॉइंट, एन इंटरनेशनल सर्वे रैंक्ड हर एज द मोस्ट एडमायर्ड पर्सन ऑफ 20th सेंचुरी. यानी एक इंटरनेशनल सर्वे किया गया था जिसमें ये पता चला था मदर टेरेसा जो है वो ज़्यादा बहुत लोगों को पसंद है, कब 20th सेंचुरी में, क्योंकि वो बहुत अच्छे काम करते थे, जिसका कोई नहीं हो उसका ध्यान रखते थे, कोई सीख हो, बीमार हो, और जिसका कोई नहीं हो उनके लिए काम करते थे. गॉट इट? सो दिस इज़ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मदर टेरेसा. हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर CW वर्क. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ आवर वर्कबुक नोट्स. सो टिल देन यू हैव टू कंप्लीट दिस नोट्स. बाय एवरीवन.